गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। ईवी टाइप द फ्यूचर में आप सभी का स्वागत है। ईवी की न्यूज की खबरों में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए साइट टेक्नोलॉजी की तरफ से शुरू करता हूं आज की खबर। जैसा कि हम सब जानते हैं, कोरोना वायरस के कारण पूरा देश परेशानी और संकट के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में दिल्ली में जो ई रिक्शा वाले हैं, उन पर बहुत ही बुरा असर हुआ है। हमारे रिपोर्टर ने द्वारका के कुछ रिक्शा चालकों से बात की और उनका हालचाल जानने की कोशिश की। आइए देखते हैं। मैं तो मेरा काम ऐसे ही किराए पर रहते हैं, तीन बेटी है, अब क्या करें, मजबूर में कभी काम भी नहीं हो रहा है, 200-250 काम हो रहा है, क्या करेंगे 200-250 में, वही 200-250 में गुजारा कर रहे हैं, क्या करें। अब खाना खुराक ही चल रहा है, किराया मकान मालिक को भी किराया देना नहीं पड़ रहा है। अभी काम ऑफिस में तो घर से चला रहा है, जो कमाए धमाए तो कुछ है दिन, अभी कितना 12 बज रहा है, अभी तक मैं 30 रुपये कमाया हूँ। तो लॉकडाउन के सारे किराया शरीर पर गिरा हुआ है, एक पैसा नहीं पूरा है, अब कहाँ से दूंगा, क्या करूँ, कोई अकल नहीं काम कर रहा है, 5 लोग हैं, कैसा अभी समय काट रहा हूँ। काम तो कुछ ही नहीं चल रहा है, सवारी नहीं निकल रहा, सवार कल गाँव चला गया है और उसके बाद सवारी नहीं मिल रहा पूरे दिन। ऐसे परिवार में मियाँ बीवी, 2 बच्चे, माँ बाप हैं, उनका रोजी रोटी वैसे गुजारा कर रहे हैं, बाकी क्या करें, हाँ किराए पर रहते हैं। इन रिक्शा चालकों का कहना है कि कोरोना वायरस की वजह से बहुत से लोग दिल्ली छोड़कर चले गए हैं और जो हैं वो कोरोना की वजह से बाहर कम निकल रहे हैं, जिनके कारण इनके कमाई पे असर पड़ा है, जिनसे इनको अपने परिवार को चलाने में बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इन रिक्शा चालकों का कहना है कि सरकार से कुछ भी मदद मिल जाए जिससे ये अपना गुजारा कर सकें। कुछ काम धाम है ही, 6 लोग तो गुजारा क्या चल रहा है, गुजारा खाओ खाओ बस, खान पीन चल रहा है, मैच करनी पड़ेगा, क्या करें, कुछ सहायता मिल जाए, क्या करें। काम धंधा बिल्कुल बंद है, लॉकडाउन के चक्कर में कोई काम, कोई सवारी बाहर निकल ही नहीं है, से कहाँ जाए अभी फिलहाल, सरकार जो हेल्प कर सके। काम चलने का, रोड पर निकलते हैं हम लोग, काम धंधा होता ही नहीं है, 5 आदमी हैं, 100-150 रुपये कमाते हैं, उसी में खाना खुरा के चलता है, अभी रूम किराया भी बाकी है 4 महीने, सरकार जो भी देगा तो ठीक है। हमारी खबरों को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक व कमेंट के साथ साथ सब्सक्राइब करना न भूलें।